हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, वो भी बिना दही, बिना क्रीम और बिना काजू के, एकदम स्वादिष्ट, जो आपके बच्चों को आपको बहुत ही पसंद आएगा, घर के ही कुछ मसालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून तेल लिया है, सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये 2 बड़े प्याज मैंने रफली काट लिए हैं और 2 टमाटर अच्छे से पके हुए, इनको भी मैंने इसी तरह काट लिया है। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं मेरे पास, इनको छील लिया है और छोटा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा काट लिया है। अभी हमारा ये तेल गर्म हो गया, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसको भुनने देंगे। अब हम इसमें अपनी एक काटी हुई सब्जियाँ डालेंगे और तब तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक मीडियम आँच पर ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है दोस्तों, जो अभी आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है, उससे क्या है टमाटर थोड़े अच्छे से जल्दी गल जाते हैं। और ऐसे इसको थोड़ा 5-7 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। अब ये हमारी सब्जियां पककर तैयार हो गई हैं। अब ये मैंने ली है फ्रोजन मटर, अब मैं इसको एक उबाल आने तक उबालूँगी। इससे क्या है ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसमें यदि कलर वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा। आप इसकी जगह फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं, अभी फ्रेश मटर मिल नहीं रही है क्योंकि मौसम नहीं है, तो मैंने इसलिए फ्रोजन मटर का यूज किया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे दोस्तों, बस अभी ये हमारी मटर तैयार हो गई है, इसे मैं छान लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा बर्फ़ वाला पानी डालूँगी जिससे कि इसका कलर ऐसा ही ग्रीन बना रहे। ये मैंने एक पैन में लगभग 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों का तेल में कच्ची स्मेल आती है, इसलिए पहले इसे अच्छे से गर्म करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम रख कर देंगे। अब ये जो हमने टमाटर और प्याज लहसुन पहले से तैयार किया है, इसको हम अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनाएंगे, स्मूथ सी। ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हमारा तेल भी लगभग गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 सफ़ेद इलायची और इसको 20 से 30 सेकंड तक रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें अपना टमाटर और प्याज वाला वो पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हिलाते हुए इसी तरह चलाते चलाते थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसी तरह इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। अब 1/2 चम्मच ये मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसको इसी तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी दोस्तों, क्योंकि हम टमाटर और प्याज को पहले भी पका चुके हैं, मीडियम फ्लेम पर ही आँच को रखेंगे और ऐसे बार बार चलाते रहेंगे। ये मैंने लगभग 3 टेबल स्पून फ्रेश मलाई ली है, इसमें मैं थोड़ा सा मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी, ऐसे ही डालने से ये फट सकती है। देखिए इस तरह से इसमें इसको मिलाएंगे। अब इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम किचन किंग मसाला। दोस्तों इसको स्किप ना करें, क्योंकि हमने इसमें काजू पेस्ट वगैरह भी नहीं डाला है, तो फिर अच्छी इससे काफ़ी अच्छी खुशबू और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको इसी तरह चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। अब इसमें हम ये गर्म पानी ऐड करेंगे। ये पानी इसलिए थोड़ा पीला है क्योंकि मैंने जार वगैरह भी जो मसाला था धो के इसी में डाल दिया है, और इसमें हमें ये ध्यान रहे कि उबला हुआ पानी ही ऐड करना है। अभी देखिए हमारी ग्रेवी पक चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें हमारा उबाला हुआ वो मटर ऐड करेंगे और थोड़ी देर 3 से 4 मिनट इसको ढककर इसी तरह पकाएंगे। ये मेरे पास 250 ग्राम पनीर है, इसको मैं टुकड़े में काट लूँगी, आप छोटे बड़े किसी भी तरह के टुकड़े काट सकते हैं। आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कच्चा ही पनीर पसंद है तो मैं इसमें कच्चा ही डाल रही हूँ। देखिए अभी हमारी ये ग्रेवी पक चुकी है, अब इसमें हमने ये पनीर भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम एकदम धीरे से चलाते हुए चलाएंगे, ऐसे ही हिलाते हुए इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। हमने थोड़ा नमक पहले भी डाल चुके हैं, तो नमक ये ध्यान रखकर ही डालें और इसको थोड़ी देर ढककर पकाएं।
अभी ये हमारा मटर पनीर बनकर तैयार है। देखिए दिख रहा है ना कितना टेस्टी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अभी मैं इस पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके। आपके पास यदि हरा धनिया है तो फ्रेश आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।